प्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा है, जो कि पूरे देश में चल रहे पीएम पानीकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के बीच रीडिंग और डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। आज की कहानी मैं सार्थक सिंह कक्षा 4S का छात्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है मेहनत की कद्र। किस्मत सिर्फ मौका देती है, पर मेहनत वह है जो चौंका देती है। इस शहर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने काम में बहुत गुणी था तथा उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, इसलिए समाज के लोग उसे बहुत सम्मान दिया करते थे। पर इसके जीवन में संतान सुख की कमी थी, इस बात से व्यापारी बहुत दुखी रहता था। लेकिन काफी पूजा प्रार्थना करने के बाद कई सालों बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम चंद्र प्रताप रखा गया। अब क्योंकि बहुत दिनों के बाद व्यापारी के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया था, इसलिए परिवार के लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। उसकी फरमाइशों को उसके बोलने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। उसने तो कभी ना सुनाई नहीं था, जो वो चाहता पूरा हो जाता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और व्यापारी बूढ़ा। अब व्यापारी को अपने व्यापार, परिवार और पुत्र की चिंता होने लगी थी। उसे दिखाई दे रहा था कि उसके पुत्र को मेहनत की कद्र नहीं है, इसलिए अब व्यापारी ने ठान लिया कि अपने बेटे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तब व्यापारी ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा इस व्यापार में कोई योगदान नहीं है, और अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो 2 वक्त के खाने जितने पैसे मुझे हर रोज ला कर देने होंगे। पुत्र मान गया और घर से निकल पड़ा। अब क्योंकि वो सबका लाडला था, इसलिए परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसे पैसे दे दिया करता था। और जब वह पैसे अपने पिताजी को देता, पिताजी कहते कि इन पैसों को कचरे में फेंक दो। पुत्र बिना अफसोस किए उन पैसे को कचरे में फेंक देता। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे परिवार वाले उससे कन्नी काटने लगे और पैसे देने बंद कर दिए। और एक दिन ऐसा आया जब चंद्र प्रताप की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए वह एक दिन बाजार गया और काफी मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए। और जब वह शाम को घर लौटा, तब वह पैसे अपने पिताजी को दिए और पिताजी ने कहा कि इन पैसों को कचरे में फेंक दो। उस दिन पुत्र की आंखों में आंसू आ गए और पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत से इन पैसों को कमा के लाया हूँ और आप इन्हें कचरे में फेंकने कैसे कह सकते हैं। व्यापारी ने कहा कि हाँ, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम यह पैसे अपने मेहनत से कमा कर लाए हो। आज तक जो भी तुम पैसे ला रहे थे वो तुम बिना मेहनत किए ला रहे थे, इसलिए तुम उन पैसों को बड़ी आसानी से कचरे में फेंक दे रहे थे। लेकिन आज तुम यह पैसे अपने मेहनत से कमा कर लाए हो, इसलिए तुम्हें इन पैसों की कद्र हो रही है। हम अपने आप में कितने भी संपन्न क्यों ना हो, हमें अपने बच्चों को मेहनत की कद्र कराना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत से माता पिता है जिनके पास साधन संपन्नता बहुत है और अपने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने जीवन में आपकी तरह सक्षम और लायक बनाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें मेहनत की कदर करना सिखाएं। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक कहानी पढ़े, उसे रिकॉर्ड करें तथा अपने 10 मित्रों और संबंधियों को भेजें और उनसे कहें कि वह भी एक कहानी पढ़े, उसे रिकॉर्ड करें तथा अपने 10 मित्रों और संबंधियों को भेजें। तो मिलता है अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।